हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हाशिमोटोज़ डिजीज़ के बारे में। आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि हाशिमोटोज़ डिजीज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हाशिमोटो डिजीज़ क्या होती है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होता है। थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होने की वजह से इस कंडीशन को कहा जाता है हाशिमोटोस थायरोडाइटिस और हाशिमोटोस डिजीज़। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा थायराइड ग्लैंड पर अफेक्ट होता है और जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से ये हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं करता है। थायराइड जो हार्मोन बनाता है वो हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों, बेसिकली थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में काम क्या करता है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का काम करता है, यानी कि हमारे फूड को, जो हम फूड खाते हैं, उसको एनर्जी में बदलने का काम ये थायराइड हार्मोन की मदद से किया जाता है। दोस्तों, इसके सिम्टम्स की मैं बात करूं कि जब थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होता है और थायराइड हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं? आपकी बॉडी में वेट गेन होने लगता है, आप लिथार्जी होते चले जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, फेस और आईज पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आपको एक सिंथेटिक हार्मोन आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन नाम का सिंथेटिक हार्मोन आपको दिया जाता है ताकि आपके जो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। साथ ही फिजियोथेरेपी इसमें रिकमेंड की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, आपकी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। साथ ही आपको ऐसा पोस्चर और बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम किया जाता है ताकि आपकी बॉडी डेली रूटीन के दौरान एनर्जी कंजर्व कर सके। कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक बताई जाती है ताकि आपके फटीग को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही डॉक्टर्स आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप हाशिमोटोज़ डिजीज़ से पीड़ित हैं तो आपको अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाके आपको रिलैक्सेशन टेक्निक और ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी चाहिए और कुछ सुपरवाइज एक्सरसाइज सीखनी चाहिए ताकि आप डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें आप एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकें वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया हाशिमोटोज़ डिजीज़ के बारे में। इस बीमारी से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।